अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि ओटीपी नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और याद रखिए दोस्तों, बिना ओटीपी के चॉइस फिलिंग संभव नहीं है। अगर आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है तो आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों क्या करें, कैसे करें? तो दोस्तों इसका एक ही उपाय है, आप लोग लगातार कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी हो सकता है कि ओटीपी आपके फोन पर आ जाए। देखिए दोस्तों, ये समस्या सभी फोन के साथ हो रहा है, चाहे आप किसी भी सिम के किसी भी नेटवर्क से आ रहे हैं। दोस्तों सबके साथ हो रहा है, मतलब एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो ये समस्या वेबसाइट के माध्यम से ही हो रही है। तो इसमें किसी बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं, काफी बच्चों ने फोन को रीस्टार्ट करके भी देख लिया दोस्तों, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभी दोस्तों हो जाता, देखे होगा, कभी कभी आप पेमेंट करते हैं तो उसका ओटीपी भी नहीं आता। तो ये कोई नई समस्या नहीं दोस्तों, तो ये सर्वर की समस्या है, थोड़ी देर में इसको सॉल्व कर लिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारा कल से ओटीपी नहीं आ रहा, तो मतलब एक दिन से ज्यादा समय बीत चुका है और ओटीपी नहीं आ रहा। और दोस्तों एक और बड़ी खबर कि आज ही अंतिम टाइम है, मतलब आज ही अंतिम तिथि है सेकंड राउंड की, चॉइस फिलिंग का लास्ट दिन है दोस्तों। अगर आपने आज चॉइस फिलिंग नहीं किया तो मतलब ये राउंड समाप्त तो हो जाएगा और लास्ट राउंड आपके पास दोस्तों बचेगा, तो उसमें आपका एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार ये जरा देख लीजिए जो आप लोग का शेड्यूल था, क्या ऐसा शेड्यूल था दोस्तों। देखिए हमारा जो है 20 जुलाई 2019 शाम से लेकर 24 जुलाई 2019 तक है, मतलब आज आपकी 24 तारीख हो चुकी है, लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा दोस्तों। इसमें 25,000 एक रैंक से लेकर 1,15,000 रैंक तक, और जो बच्चे क्रम संख्या 1 मतलब रैंक 1 से लेकर 25,000 तक छूट चुके हैं, सभी को मौका है। और दोस्तों एक तरह से कहा जाए तो एक रैंक से लेकर 1,15,000 रैंक तक सभी बच्चों को पूरा मौका दिया गया, मतलब अब 1 लाख से अधिक बच्चे इस वेबसाइट पर लगातार ट्रायल मार रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ओटीपी चाहे जब भी आ जाए, एक ही अच्छा रहेगा, ये ओटीपी एक्सपायर नहीं होता। जब भी आपका दोस्तों ओटीपी आएगा तो वो मतलब वैलिड होगा, और दोस्तों उससे तुरंत आप लोग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ा दीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और दोस्तों इसका रिजल्ट कल आपको 25 जुलाई 2019 को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस समय की बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों, अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो बच्चों की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और दोस्तों हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको लेकर कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि देखिए बड़ा एक्शन इसलिए लेना चाहिए, एक दिन का डेट एक्सटेंड कर देना चाहिए दोस्तों, नहीं तो बच्चों का बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम में अपनी कोशिश करते हैं, तो ये ओटीपी की समस्या दोस्तों कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, हो सकता है तकरीबन दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि 15,000 से 30,000 बच्चे दोस्तों अभी ऐसे हैं जिनका ओटीपी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बच्चों की संख्या बहुत ही अधिक है, तो इसको देखकर सरकार दोस्तों कोई एक कड़ा रुख अपना सकती है, मतलब जो वेबसाइट जिन्होंने बनाई है या जैसे भी डिजाइन की गई दोस्तों, उसमें कैसे इतनी बड़ी एरर आ रही है। तो 25,000 एक रैंक से लेकर दोस्तों 1,15,000 तक दोस्तों, चलिए आपके सामने एक डेमो भी दिखा देते हैं क्या दिक्कत आ रही है, चलिए देखते हैं एक बार दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे काउंसलिंग में और आएंगे स्टेप 1 जनरेट ओटीपी। इसको दोस्तों जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले हमारा क्या रहेगा ऑप्शन, देखते हैं दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा सिलेक्ट कोर्स, इसमें दोस्तों क्लिक करेंगे और डीएलएड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेना है, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और दोस्तों ये पूछा जा रहा है आर यू फिजिकल हैंडीकैप, यस या नो, जो आपने फॉर्म भरते समय किया होगा तो नो भर दीजिए। और अपने आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जैसे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटर कैप्चा जो है उसको लिख देना है, जो भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल सा लॉगिन में क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर लिख के आ रहा है योर पिन वन टाइम पासवर्ड इज सेंड टू इस नंबर, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि हमारे पास कोई भी ओटीपी अभी तक नहीं आया है, मतलब ये मैसेज सबके पास ऐसा ही शो हो रहा है कि भाई ओटीपी भेजा जा चुका है लेकिन आपके तक पहुंच नहीं रहा है। तो दोस्तों ये एरर सबके साथ आ रही, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, तो वेट करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए ओटीपी का फुल फॉर्म ही होता है वन टाइम पासवर्ड दोस्तों, जो हमें एक बार पासवर्ड यूज करने को मिलेगा, उसके बाद उस पासवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मन से, जो भी नाम देना चाहे उसे दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी सिम हो हर सिम के साथ ये दिक्कत आ रही है, किसी भी नेटवर्क में आप लोग होंगे दोस्तों तो ये समस्या का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए आते हैं वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देख लिया कि यार ओटीपी हम तो सब कुछ फिल कर रहे हैं, मतलब आप लोग जो नॉर्मल है, पहले डीएलएड हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और पूछा गया कि आर यू फिजिकल हैंडीकैप यस या नो, तो आपने दोस्तों उस समय फॉर्म में जो भरा था वो हमने भर दिया, सब कुछ सही है, तो उसके बाद ओटीपी क्यों नहीं आ रहा। और दोस्तों वहां से हमें मैसेज भी मिल रहा है योर ओटीपी हैज बीन सेंट दिस नंबर,
तो दोस्तों अगर वो ओटीपी भेजा गया तो ओटीपी हमारे तक पहुंच क्यों नहीं रहा है, ये एक बड़ी समस्या है दोस्तों, और सभी बच्चों के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों जो ये समस्या आप देख रहे हैं वो एक दो बच्चों की नहीं, कम से कम हजारों बच्चों की है। तो इसको लेकर पीएनपी को दोस्तों कुछ ना कुछ बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये यार अब बताइए, लास्ट टाइम आ चुका है, शाम हो चुकी है दोस्तों, आज शाम, जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आज देर शाम हो चुकी है। आप बताइए, आपके पास आज रात 12 बजे तक का ही मौका रहेगा दोस्तों। इस बार वैसे फिलहाल कोई टाइम की लिमिट नहीं दी गई है, 24 जुलाई दोस्तों डेट कहा गया है, तो मतलब हमें रात के 12 बजे तक का समय दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, 17 जुलाई 2019 शाम से बोला गया था, तो शाम से शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शाम नहीं बोला गया, तो मतलब इसका हम मतलब समझ सकते हैं कि हमारे पास जो मौका है वो 24 जुलाई 2019 के रात 12 बजे तक का है। तो हम दोस्तों कोशिश करते रहिए लगातार, आप लोग भी, बस हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही ओटीपी आए उसके बाद का आपका प्रोसेस तुरंत कर लीजिएगा, साइट काफी अच्छी चल रही है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो ये आपका प्रोसेस वो फोन से करिएगा, काफी बच्चों लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे तो उसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन फोन में अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो काफी अच्छे तो हो जा रही है। तो चॉइस फिलिंग में फोन एक अच्छा माध्यम रहेगा, लेकिन दोस्तों ओटीपी में देखिएगा कुछ ब्राउजर में दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों जो भी होगा देखा जाएगा, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और ओटीपी को लेकर काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जो आप लोग का रिजल्ट है वो कल जारी हो जाएगा, याद रखिए आप, 25 जुलाई शाम तक कल आपका जारी होने वाला है रिजल्ट भी, कि किन बच्चों को कौन सा कॉलेज अलाट हुआ। देखिए अब दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार प्राइवेट कॉलेज को भी लेकर इतनी असमंजस बन गई कि अब हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं। अभी तक होता था कि सरकारी कॉलेज नहीं मिला नहीं मिला, अब प्राइवेट में भी दिक्कत आ गई। अगर आपकी रैंक अच्छी थी, आपने सोचा चलो लास्ट टाइम में कर लेंगे, दोस्तों अब लास्ट टाइम तो आ चुका है, लेकिन ओटीपी को लेकर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों सामने आ रही है, जो कि सॉल्व होते दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, आप लोग लगातार दोस्तों एक ही काम में ट्राई करते रहिए, भगवान भरोसे की जल्द से जल्द ये वेबसाइट सही हो जाए दोस्तों, और आप लोग की ओटीपी की जो प्रॉब्लम से वो बहुत ही जल्द सही हो जाए। काफी बच्चों दोस्तों हमारे पास मैसेजेस आ रहे लगातार कि सर हमारा नहीं हो पा रहा, सर हमारा नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों देखिए सबके साथ हो रहा है, फिलहाल आप लोग को परेशान नहीं होना। काफी बच्चों के मैसेजेस देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से भी आते जा रहे हैं कि सर क्या दिक्कत आ रही, कहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम है, वहां से ओटीपी भेजा तो जा रहा है लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं रहा है। मतलब दोस्तों काफी बार ऐसा होता है, कभी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे या IRCTC की साइट से टिकट कभी दोस्तों बुक करिए, तो होता है ना कि आप लोग 11 बजे टिकट बुक करते हैं तो उसका मैसेज 10 से 15 मिनट बाद आता है। जिस दिन भीड़ रहे, जैसे दोस्तों होली या दिवाली के टाइम है, उस दिन की बात कर रहे हैं, और काफी दिन तो जल्दी आ जाता है। तो हो सकता है कि दोस्तों आज काफी बच्चे एक साथ एक्सेस कर रहे हो इस वेबसाइट को, कोशिश कर रहे हो कि आज जल्द से जल्द मतलब उनका हो जाए किसी भी तरह, लेकिन दोस्तों देखते हैं क्या होता है। और आप लोग दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग लगातार ट्राई करते रहिए, कोई दिक्कत होगी दोस्तों हम लोग है ही हैं, और उम्मीद करेंगे दोस्तों अगर ऐसी रही वेबसाइट तो पक्का है कि एक ना एक दिन का टाइम हमें दिया जाएगा। अब नहीं दिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि सरकार की मनमानी तरीके से मतलब काम करना हो गया, कि यार एक दिन का टाइम तो देना चाहिए। देखिए अब एरर हम लोग की नहीं है, उसमें दोस्तों जो हमें टाइम दिया गया टाइम के मुताबिक अगर हम काम कर रहे हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो सेकंड राउंड होगा वो 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक होगा। तो अब 24 जुलाई आज ही है, अब साइट नहीं चल रही, ओटीपी नहीं भेजा जा रहा है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम 24 जुलाई को ही डेट मानकर हम लोग अपना काम कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि जब सब कुछ हम सही कर रहे हैं तो यार सही ही होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि थोड़ी देर में आप लोग का ओटीपी का प्रोसेस है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो सकता है कि ओटीपी की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हो, लेकिन आप लोग लगातार कोशिश करिए कि ओटीपी की जो समस्या है वो जल्द से जल्द समाप्त हो और आप लोग का जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द फिल हो सके। ठीक है, तो आप लोग को कंटिन्यू ट्राई करते रहना है, ठीक है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग लगातार देखते रहिए कि कब तक ओटीपी की समस्या चलती है, अगर आप लोग देखिए बैठे रहेंगे तो उससे आपका हल नहीं निकलेगा। अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी भी टाइम ओटीपी का प्रोसेस चले और उस समय आप लोग ट्राई ना कर रहे हो तो आपको ओटीपी भी नहीं आएगा। तो हर 1 मिनट 2 मिनट के अंतराल पर आप लोग ट्राई करते रहिए। गलती तो हो चुकी है सभी बच्चों से कि आपने 20 तारीख से समय मिला था, आपने लास्ट डेट लास्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, इस समय तो हो सकता है कि साइबर कैफे भी काफी बिजी चल रहे हो, एक साथ हजारों बच्चों के फॉर्म में एक्सेस लिया जा रहा हो, इसलिए दोस्तों ओटीपी की दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई ना कोई दोस्तों एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय आपका ओटीपी आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। एक चीज हमें दोस्तों समझ में नहीं आ रही और सभी बच्चे भी क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, सर ईमेल आईडी हमसे जब मांगी गई थी, ये सोचिए यार जब हमसे ईमेल आईडी मांगी गई क्यों मांगी गई, ईमेल आईडी पर नहीं भेजा जा सकता ओटीपी, ईमेल आईडी पर भेजते तो 2 सेकंड में चला जाता, 2 सेकंड का 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो जब हमें मौका दिया गया और ईमेल आईडी मांगा गया सही साफ साफ, तो ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजना चाहिए, दोनों पर भेज दीजिए।
हर जगह तो ये रूल होता है कि दोनों जगह ओटीपी भेजा जाता है। ईमेल आईडी पर अगर भेजा जाता तो अब तक हम एक्सेस करके अपना जो ओटीपी का प्रोसेस था सब कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या बोले, वेबसाइट को आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपकी ओटीपी की समस्या समाप्त हो चुकी हो। कोई दिक्कत आती है दोस्तों, कोई अपडेट निकल कर आएगी ओटीपी को लेकर, हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल ये सबके साथ हो रहा है तो आप लोग परेशान मत होइए, जो होगा सबके साथ होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। और भी अपडेट्स के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही जल्द हम ओटीपी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।